उस पीरियड में मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज हुआ कंप्लायंस फील्ड की तरफ, और ओके तब मुझे ऐसे लगा कि कंप्लायंस एक बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है, और फिर मैंने म्यूचुअल फंड में कंप्लायंसेस में अपनी जर्नी शुरू की। अब जो एक ट्रेंड है कि इंडिया में म्यूचुअल फंड बूम होने वाला है, क्योंकि आई थिंक सो अराउंड बहुत ही स्मॉलेस्ट नंबर है, 3-4% ऑफ इंडियंस आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग। करेक्ट, हाउ विल इट इम्पैक्ट दी वर्क दैट इज हैपनिंग राइट नाउ? मतलब वो चेंजेस विल हैपन, इज इट गोना बी मोर टेक्नोलॉजी ड्रिवन और इज इट गोना बी मोर पीपल ड्रिवन? कैसे दिख रहा है आपको ट्रेंड? टेक्नोलॉजी पे काफ़ी स्ट्रेस होने वाला है, क्योंकि जैसे स्केल बढ़ेगा उस स्केल पे हमको कंसिस्टेंटली अगर आगे बढ़ना है तो टेक्नोलॉजी इज़ द ओनली सोल्यूशन। जैसे आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 20 ईयर्स आपने स्पेंड किया, कि व्हाट इज़ द नॉर्मल व्यू, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है इंडस्ट्री तो क्या उसका करियर पाथ होता है ओवरऑल, ब्रॉडली क्या क्या टीम्स होती हैं, एंड व्हाट इज़ द न्यू ट्रेंड दैट यू आर सीइंग? अब हम लोग वेरिएड कॉम्पिटेंसीज ढूंढ रहे हैं। जैसे कि अगर आपने FRM किया है फॉर एग्जांपल, तो मैं चाहूँगा कि उस बंदे के पास अगर लॉ एंड FRM है तो मेरे लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि उसको नंबर्स भी समझते हैं और अच्छा, उसको लीगल डॉक्यूमेंट लीगल जैसे। डॉक्यूमेंट्स भी समझते हैं, ओके, बिकॉज ये अभी जैसे आज के डेट में कोई कंप्लायंस CS बनता है, ऑन एवरेज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एंट्री लेवल पे क्या पैकेज वो एक्सपेक्ट कर सकता है, क्या लेवल का काम वो एक्सपेक्ट कर सकता है? हेलो गाइस, हाय, दिस इज गणेश नायक। आई हेल्प फाइनेंस प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स टू एक्सेल इन देयर करियर एंड बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्फ, एंड आई आल्सो हेल्प स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक CFA, FRM एंड SER, एंड एज अ पार्ट ऑफ द सीरीज टू हेल्प कैंडिडेट्स एंड स्टूडेंट्स हु आर एस्पायरिंग टू गेट इनटू फाइनेंस, वी स्टार्टेड आउट अ पॉडकास्ट सीरीज एंड वी वेयर वी गेट पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री टू टॉक अबाउट व्हाट इज द रोल, डिफरेंट रोल्स दैट आर अवेलेबल, हाउ समबडी कैन मेक अ करियर इन फाइनेंस। एंड टुडे आई एम बैक विद वन सच एपिसोड where I have with me Saurabh. He is an experienced compliance professional and he's going to be talking about his journey of being in the industry. And this is going to be in mix of Hindi and English. Saurabh, thank you very much. Aap aaye time nikal ke. Ek मोस्ट brief वेलकम। audience ke liye ki aapka total experience kitna hai? Aapne apni journey kaise start ki? सो मेरा टोटल एक्सपीरियंस करीब करीब 22-23 साल का है वर्क एक्सपीरियंस। मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ बाय क्वालिफिकेशन, और इनिशियली जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो मैंने बैंकिंग से शुरू किया था, ब्रांच बैंकिंग। 2-2.5 साल के लगभग मैंने ब्रांच बैंकिंग में काम किया, काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस मिले। उसके बाद मैंने कंपनी सेक्रेटरीशिप की प्रैक्टिस की अराउंड 1-1.5 साल एक सीनियर कंपनी सेक्रेटरी के साथ, और उस पीरियड में मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज हुआ कंप्लायंस फील्ड की तरफ, और तब मुझे ऐसे लगा कि कंप्लायंस एक बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है। नया अपकमिंग एरिया था ये, 2005-06 की बात है, तो इंडिया भी टर्न हो रहा था एक नई सेंचुरी में, नए मिलेनियम में, और कंप्लायंस स्लोली एक इम्पोर्टेंट बन रहा है। इम्पॉर्टेंट बन रहा था। राइट एग्जैक्टली, तो तब तक सिर्फ लीगल फाइनेंस ऐसी ही फील्ड्स थी, एंड तब मुझे लगा कि ये एक अपकमिंग करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और फिर मैंने म्यूचुअल फंड में कंप्लायंसेस में अपनी जर्नी शुरू की, और एज दे से रेस्ट इज हिस्ट्री। सो अराउंड अब मुझे करीब करीब 20 साल का इन म्यूचुअल फंड कंप्लायंसेस एक्सपीरियंस है, और इसमें डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन म्यूचुअल फंड्स, फीडर फंड्स, हर तरह सब के कुछ। फंड हाउसेस में मैंने काम किया हुआ है। तो आपने जब मतलब आपने जो CS क्वालिफिकेशन है वो पहले की, देन यू वेंट टू बैंक अपने काम, हाँ, तो जब आपने क्वालिफिकेशन की थी तो आपके दिमाग में कैसा था कि क्या होगा, मेरा करियर क्या होगा, आपने कुछ सोचा था तभी? सी, जब हम इस तरह की, थोड़ा ब्रॉड आंसर देता हूँ उसका मैं, कोई भी क्वालिफिकेशन लेते हैं आप, CS बोलिए, CA बोलिए, राइट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, FRM, CFA, तब हमारे लिए उस समय पर एज ए स्टूडेंट बहुत क्लैरिटी नहीं होती है। जैसे अगर मैं CS कर रहा हूँ तो एक बेसिक ये आता है कि मैं किसी कंपनी में एज अ कंपनी सेक्रेटरी या सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट में अपना करियर शुरू करूँगा, और स्लोली जा करके किसी लिस्टेड बड़ी कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी बन जाऊँगा। वो बराबर, तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड करियर हो राइट, गया। बट वॉट आई हैव ऑब्जर्व इज दैट
एक बार आपके पास ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आ गई, राइट, देन इट इज काइंड ऑफ अ टिकट टू एंटर इन टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड. बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको बेस्ड ऑन योर बेसिक क्वालिफिकेशन हायर करते हैं कि अच्छा आप CS हो, आप CA हो, ओके यू कम ओवर. तब अंदर जा करके आपको रियलाइज होगा कि अरे वर्ल्ड इज वेरी बिग और हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. जैसे कंपनी सेक्रेटरीज सेल्स कर रहे हैं. अच्छा, ओके. मेरा एग्जांपल लेंगे तो कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स में अब काफ़ी लेट जा करके, जब हमने पास किया था 2002-03 में, तब सेबी रेगुलेशंस भी नहीं थे हमारे सिलेबस में. ओके. तो कंप्लायंस तो बहुत दूर की बात थी, पर हमको एक अपॉर्चुनिटी और एक रास्ता मिल जाता है दैट ओके यू आर प्रोफेशनली क्वालिफाइड, यू अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड वर्क्स. अब इसके बाद आपको अपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को अप्लाई करते जाना है. सो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसे ओपन होती हैं. बहुत सारे कंपनीज के सेल्स हेड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, वो ना टैक्सेशन करते हैं, राइट. बहुत सारे फंड मैनेजर्स जो हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो वो तो टैक्स का काम नहीं कर रहे हैं, वो अकाउंटिंग का भी काम नहीं कर रहे हैं. ओके. जो बेसिक समझा जाता है कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया टैक्स करोगे, पर नहीं, वो तो फंड मैनेजमेंट कर रहे हैं. इट इज मोर लाइक कि आपकी एक एबिलिटी बन जाती है. एब्सोल्युटली. जो आप इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज कर लेती है कि आप कर सकते हो कुछ. करेक्ट, करेक्ट. ओके. सो फिर जैसे आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 20 years आपने स्पेंड किया, कि व्हाट इज़ द नॉर्मल व्यू, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है इंडस्ट्री तो क्या उसका करियर पाथ होता है ओवरऑल, ब्रॉडली क्या क्या टीम्स होती हैं, एंड व्हाट इज़ द न्यू ट्रेंड दैट यू आर सीइंग. ओके, वेरी गुड पॉइंट. सो सी, म्यूचुअल फंड इज समवेयर बिटवीन एन इंश्योरेंस कंपनी एंड अ बैंक. ओके. सो म्यूचुअल फंड प्राइमरीली क्या करता है, मार्केट में लोगों के पास जाके, रिटेल एज वेल एज इंस्टीट्यूशंस के पास जाके बोलता है कि देखिए आपके पास टाइम नहीं है और स्पेशलाइजेशन भी नहीं है, बराबर, तो मैं आपके लिए मनी मैनेज करके देता हूँ, बराबर. सो एंड दिस इज नॉट समथिंग न्यू. इंडिया में म्यूचुअल फंड्स काफ़ी लेट आ गए, अराउंड 2004-05 के आसपास से म्यूचुअल फंड्स ग्रो करना शुरू कर दिए, पर इन वेस्टर्न वर्ल्ड म्यूचुअल फंड्स करीब करीब 100 साल से एग्जिस्ट कर रहे हैं. सो 1930s-40s में फर्स्ट म्यूचुअल फंड्स लॉन्च हुए थे US में, और मे बी इवन बिफोर दैट. सो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोडक्ट और इट्स अ ट्रस्ट प्रोडक्ट. तो मेरा काम यह है कि अगर मैं आपके पास आया हूँ कि गणेश आप मुझे आपका पैसा दीजिए, मैं मैनेज करता हूँ, तो गणेश ट्रस्ट कर रहा है मुझे, मेरे ऊपर, तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं एज अ म्यूचुअल फंड कंपनी. तो कोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच a company, a mutual fund company needs to ensure is that all the investments are made in good faith, okay, and are made in the interest of investor. Okay. वो सबसे important है. Now, once जैसे हमने mutual funds के बारे में बात की, तो mutual fund में primarily 4-5 बड़े key departments होते हैं. Okay. Like in any other business, sales department सबसे बड़ा होता है. बराबर. क्योंकि आपने प्रोडक्ट बना लिया तो आपको बेचना, ठीक है, दैट्स वन. देन असाइड ऑफ सेल्स, फंड मैनेजमेंट एक बहुत की इम्पॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरर हैं, हम फंड बना रहे हैं, और वो फंड मैन्युफैक्चर करने के लिए हमको स्पेशलिस्ट चाहिए, फंड मैनेजर्स चाहिए, right. जो 100 crores, 1000 crores, थाउजेंड्स ऑफ करोड्स अपने फंड में लेकर के प्रॉपरली डिप्लॉय कर सके मार्केट में, right. जिससे कि एक इन्वेस्टर को रीजनेबल रिटर्न देने का उनका इंटेंट होना चाहिए. सो जैसे फंड मैनेजमेंट इज अनदर इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ बिजनेस और लाइन ऑफ प्रोफेशन दैट यंग पीपल कैन परसू. ओके. देन उसके बाद काफ़ी सारे स्पेशलाइज डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे रिस्क, कंप्लायंस, लीगल एंड सेक्रेटेरियल. हर कंपनी के लिए एक लीगल एंड सेक्रेटेरियल चाहिए, तो वो हो जाता है. देन अकाउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको जितनी भी स्कीम्स मार्केट में है, एक फंड हाउस के पास कम से कम तो भी 20-25 स्कीम्स होती हैं, ज़्यादा तो बहुत सारी हैं. कुछ फंड हाउसेज जो बड़े हैं उनके पास थाउजेंड्स ऑफ स्कीम्स हैं. सो हर स्कीम का हर दिन एक नेट असेट वैल्यू कैलकुलेट होता है, तो वो कैलकुलेट करने के लिए एक अकाउंटिंग टीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ओके. तो वो एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है, अकाउंटिंग. देन कम्स योर
ट्रांसफर एजेंसी, क्योंकि आप जितने भी इन्वेस्टमेंट्स लेते हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। सो ये ऑपरेशंस के साइड पे आ जाता है। सो दीज आर द की 4-5 बिग आई वुड से डिपार्टमेंट्स। देन मार्केटिंग, मीडिया, प्रोडक्शन, वो सब जो रेगुलर हर एक किसी भी बिजनेस में डिपार्टमेंट्स होते हैं वो रेगुलर एचआर वो सब जगह होते हैं। ओके, बट स्पेसिफिक टू म्यूचुअल फंड्स आई थिंक ये 4-5 काफी इंपॉर्टेंट। ओके, अब जो एक ट्रेंड है कि इंडिया में म्यूचुअल फंड बूम होने वाला है, क्योंकि आई थिंक सौरभ बहुत ही स्मॉलेस्ट नंबर है, 3-4% ऑफ इंडियंस आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग। करेक्ट, तो ये आपको कैसे दिख रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? हाउ विल इट इम्पैक्ट द वर्क दैट इज हैपनिंग राइट नाउ? मतलब व्हाट चेंजेस विल हैपन? इज इट गोना बी मोर टेक्नोलॉजी ड्रिवन और इज इट गोना बी मोर पीपल ड्रिवन? कैसे दिख रहा है आपको ट्रेंड? ओके, सो आई विल स्लाइस द क्वेश्चन इन टू पार्ट्स। पार्ट वन, वॉट इट सीम्स टू बी द फ्यूचर ऑफ द इंडस्ट्री म्यूचुअल फंड्स का। तो देखिए, म्यूचुअल फंड एक काफ़ी ईजी प्रोडक्ट है रिटेल इन्वेस्टर के लिए, जिसको भी किसी भी साइड, फिक्स्ड इनकम मतलब डेट मार्केट या इक्विटी मार्केट, जिस भी तरफ इन्वेस्टर को अगर इंटरेस्ट है, तो म्यूचुअल फंड एक सिंपल प्रोडक्ट है। काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, वेरी वेल रेगुलेटेड है। तो द रेगुलेटर इन इंडिया इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। तो उस लिहाज से म्यूचुअल फंड्स एक राइट स्पॉट पे हैं, क्योंकि आप देखिए अगर ग्लोबल मार्केट से हम कंपेयर करें तो म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन एज कंपेयर टू GDP इज लाइक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5-6% इन इंडिया, विच इज एज हाई एज 100% और मोर इन डेवलप्ड मार्केट्स। ओके, तो फॉर एग्जांपल से हांगकांग है, तो वहाँ 100% प्लस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि वो फॉरेन से भी पैसा लेते हैं। ओके, तो इसलिए उनकी GDP से ज़्यादा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हो रहा है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट हो रहा है। प्लस देखिए, रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। आप देखिए कि हमारे पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स, जिनके पास नहीं था, जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी, सीधा सिर्फ एक ही था, FD कर दो। पर तब इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा थे, और FD, आप तो खैर स्पेशलिस्ट हैं इस फील्ड के, पर जितना मुझे समझ में आता है, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, नेगेटिव ग्रोथ ही है, क्योंकि इन्फ्लेशन ईट्स अवे इनटू योर इनकम। तो इन्फ्लेशन बीट करने के लिए आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, जो आपको स्लोली धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट है, रेगुलेटेड है, और यू नो आपके रिस्क एपेटाइट को मैच कर सकता है। सी, सबका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी सेम नहीं है, बराबर। तो म्यूचुअल फंड में आपको काफ़ी वाइड प्रोडक्ट रेंज मिलता है, जिसमें आपको वेरी लो रिस्क प्रोडक्ट भी है टू वेरी हाई रिस्क प्रोडक्ट भी है। तो आपका क्या रिस्क प्रोफाइल है, प्लस आप डिवाइड कर सकते हो कि भाई मुझे 60% ऑफ माई वेल्थ रिस्की में रखना है, 40% लो रिस्की में रखना है, रिटायरमेंट प्लान। सो आई थिंक देर इज अ वेरी ह्यूज अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट फॉर म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो ये इंडस्ट्री बड़ी होगी और बहुत बड़ी होगी, आई वुड से। तो यहाँ पे लोगों की रिक्वायरमेंट भी शूट हो जाएगी अभी। करेक्ट, स्पेशली जो स्पेशलिस्ट है। करेक्ट, जैसे आप CS के या फिर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनकी रिक्वायरमेंट इस इंडस्ट्री को भी ज्यादा लगेगी। बिल्कुल, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्किल्ड प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट इस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा लगेगी, क्योंकि ये बहुत निश एरिया है। मैन्युफैक्चरिंग जैसा नहीं है कि आप यू नो एक सप्लाई लाइन पे, असेंबली लाइन पे बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं। राइट, ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड एरिया है, तो आपको स्किल्ड प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, और मार्केट में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की हमेशा शॉर्टेज होती है। राइट, तो दैट इज व्हाई आई थिंक इट इज अ वेरी गुड करियर अपॉर्चुनिटी फॉर एनीवन एट एनी लेवल, बट स्पेसिफिकली फॉर यंग न्यू एस्पायरेंट्स, आई थिंक इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू यू नो बिल्ड अ गुड करियर इन फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री। तो क्या स्किल सेट हम ले सकते हैं टू ग्रो इन दिस करियर? 3-4 की स्किल सेट्स होना चाहिए। एक एनालिटिकल एबिलिटी। सो नाउ मे बी यू मे से दैट आप वापस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस पे जा रहे हो, बट इन दिस काइंड ऑफ एरिया प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस की बहुत वैल्यू है। सो अ गुड MBA, स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग प्लस MBA, ओके, CA, CS, FRM, वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज देर आर फील्ड्स वेयर FRM इज ऑल्सो एन एंट्री टिकट, बिकॉज जैसे रिस्क है
जैसे मेरा खुद का कंप्लायंस फील्ड है जहाँ पर हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल चीज़ें समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए, लाइक वैल्यूएशन है, लाइक मार्केट मूवमेंट है, लाइक इन्वेस्टमेंट्स है, हम खुद कर नहीं रहे हैं पर हमको हो रहा है वो पता हो रहा है होना वो चाहिए। पता होना चाहिए, ऑब्जर्व करते आना चाहिए. सो ये सब, सो एनालिटिकल स्किल्स, एबिलिटी टू रीड एंड इंटरप्रेट, आई फॉर डिटेल वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई वुड से टू अ गुड एक्सटेंट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड नंबर्स. सो अगर आपको, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आपको नंबर्स नहीं समझते तो बिल्कुल आप नहीं इधर परसू कर सकते हैं, पर देखिए अल्टीमेटली इस कंपनी का काम क्या है, पैसे मैनेज करना, और वो तो नंबर्स ही हैं. तो अगर आप सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट रखते हैं तो भी आप यहाँ जा सकते हैं, क्योंकि आगे फ्यूचर, जैसे आपने पहले पूछा था, टेक्नोलॉजी पे काफ़ी स्ट्रेस होने वाला है इसमें, क्योंकि जैसे स्केल बढ़ेगा उस स्केल पे हमको कंसिस्टेंटली अगर आगे बढ़ना है तो टेक्नोलॉजी इज़ द ओनली सोल्यूशन. ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग यूज़ कर रहे हैं इन वेरियस एरियाज, एंड इसका भी काफ़ी इम्पैक्ट आएगा. सो आई थिंक एनालिटिकल एबिलिटी, योर एबिलिटी टू रीड नंबर्स, योर एबिलिटी टू इंटरप्रेट, कम्युनिकेशन स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर स्किल्स जितने ज़्यादा हों उतने ही कम है आजकल तो. सो टू दैट एक्सटेंट ये चार पांच की स्किल्स आई वुड से एस्पिरेंट्स को या लोगों को होना चाहिए जो इस इंडस्ट्री में अपना करियर परस्यू करना चाहते ओके। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जनरली सबसे बड़ी टीम कौन सी होती है? हैं. सबसे बड़ी टीम जनरली होती है सेल्स टीम, बिकॉज फीट ऑन स्ट्रीट आपने मैंने, और सबसे निश जो टीम, जो सबसे स्पेशलिस्ट टीम होती है वो है फंड मैनेजमेंट. तो हो सकता है एक फंड मैनेजर 10,000 करोड़ या 20,000 करोड़ का भी फंड मैनेज कर रहा हो, वो अकेला ही कर रहा होगा, या तो उसके दो सपोर्टिंग मेंबर्स होंगे तो दो तीन लोग मिलके वो फंड मैनेज कर लेंगे. पर उस फंड को मार्केट में बेचने के लिए आपके पास जितनी बड़ी टीम होगी उतना ही आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बिक सकता है. सो सेल्स टीम सर्टनली सबसे बड़ी होती है, गिव और टेक, मोस्टली सब AMCs में, इनफैक्ट सारे बिजनेसेस में, आप बैंकिंग में देखिए, इंश्योरेंस में देखिए. बट अपार्ट फ्रॉम सेल्स विच इज द नेक्स्ट वन, मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ बिकॉज हाँ अगर कोई यंग कैंडिडेट है उसको देखना है कि मैं कहाँ जा सकता हूँ, विच इज अगेन अपार्ट फ्रॉम द स्किल सेट दैट ही हैज, बट विच इज द बिगेस्ट टीम जहाँ पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हो सकती है सो ऑपरेशंस टीम उसके बाद ज्यादा। ज़्यादा बड़ी होती है, जिसमें दोनों तरह के ऑपरेशंस होते हैं, ट्रांसफर एजेंसी जो कि सारा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं इन्वेस्टर्स का, वो एक साइड ऑफ बिजनेस होता है इसमें, और एक फंड अकाउंटिंग. तो अकाउंटिंग एंड ट्रांसफर एजेंसी दोनों टाइप के ऑपरेशंस में, ब्रांच ऑपरेशंस, क्योंकि काफ़ी सारी ब्रांचेस होती है और बड़ी ब्रांचेस होती है, मतलब बहुत सारी AMCs की, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की एक ब्रांच, जो से कोई बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है उसकी जो एक बड़ी ब्रांच है वो हो सकता है किसी छोटी म्यूचुअल फंड कंपनी के पूरे AUM के बराबर बिजनेस जनरेट. अच्छा तो ब्रांच ऑपरेशंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि उसमें, और उसमें लोकलाइज्ड अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं. सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई आप अगर लुधियाना में रहते हैं या कानपुर में रहते हैं तो आपको मुंबई आना ही ज़रूरी है या बेंगलोर जाना ही ज़रूरी है. लुधियाना में लुधियाना ब्रांच में आप काम कर सकते हो और आपको एक्सपोजर वही मिलेगा, एंड फिर वहाँ से आप ग्रो कर सकते हो. आई हैव सीन पीपल जो ब्रांच बैंकिंग से आकर के हेड ऑफ सेल्स बन गए हैं, सो ब्रांच ऑपरेशंस से आकर के हेड ऑफ सेल्स बन गए हैं. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सन. बट इंटरनली ऑल्सो यू कैन मूव फ्रॉम सेल्स टू से ऑपरेशन, सेल्स टू यस से रिस्क ऑल्सो, मतलब वो यस अपॉर्चुनिटीज दिखी दे आपने होते हुए देखी है। हाँ, वो अपॉर्चुनिटीज देखी है मैंने. सो मेरे खुद के सामने कुछ ऐसे मेरे कलीग्स थे जो ब्रांच ऑपरेशंस में फ्रंट डेस्क ऑपरेशंस करते थे, अब वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट करते हैं, Which is going to come in the which team? विच इज गोइंग टू कम इन से एन एक्सटेंशन ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, क्योंकि प्रोडक्ट टीम आपके लिए सारा एनालिटिकल वर्क करती है कि ये फंड का रिग्रेशन एनालिसिस, ये फंड का लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट, उसका बैक टेस्टिंग, दिस दैट एंड अदर मल्टीपल एक्टिविटीज, न्यू प्रोडक्ट आइडियाज सोचने के लिए. सो वो भी पॉसिबल है.
I have seen people coming from branch banking into compliance also. Branch operations. From branch operations, in my own team, I have someone who was in branch operations. Then he was a qualified lawyer, but branch operations mein tha. He said, "Mujhe pursue karna hai, internal opportunity hai. Aap consider karoge kya?" तो और कंपनीज कंसिडर करती हैं राइट. सो अक्रॉस द बोर्ड जो अच्छी कंपनीज हैं वो अपने ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाना चाहते हैं बिकॉज दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग राइट. सी हम लोग एक्चुअली दिस एंटायर बिजनेस बैंकिंग इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड ऑल BFSI सेक्टर इज बेस्ड ऑन ह्यूमन कैपिटल ओनली राइट. सो उसको जितना ज़्यादा हम प्रमोट करते हैं उतने ज़्यादा रिजल्ट दिखते हैं करेक्ट. बट से फॉर एग्जाम्पल इन कम्प्लायंस ये अभी जैसे आज के डेट में कोई कम्प्लायंस CS बनता है ऑन एन एवरेज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एंट्री लेवल पे क्या पैकेज वो एक्सपेक्ट कर सकता है क्या लेवल का काम वो एक्सपेक्ट कर सकता है. गुड बट ट्रिकी क्वेश्चन. रेंज मतलब मैं फिक्स नहीं बोल रहा हूँ रेंज क्या हो सकता है. सो डिपेंडिंग ऑन द कॉम्पिटेंसी डिपेंडिंग ऑन द फंड हाउस एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड सो ऑन आई वुड कन से एक स्टार्टिंग सैलरी कोई कंपनी सेक्रेटरी के लिए या CA के लिए आई वुड से इन द रेंज ऑफ 7 to 10 lakhs टू बिगिन अगर वो छोटी कंपनी है तो 5 lakh भी हो सकता है बट आई वुड से स्टार्टिंग सैलरी एनी वेयर बिटवीन दिस 5 to 8 lakhs यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट. ओके क्या काम मिलता है उनको स्टार्टिंग में. काम डिपेंड करता है कि आप किस डिपार्टमेंट में जा रहे हो जैसे कि अगर आप कंप्लायंस डिपार्टमेंट में आए तो मैं उसको पहले दिन तो सबसे पहले बोलूँगा रेगुलेशंस पढ़ लो समझ लो अच्छे से ओके बिकॉज वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है वो ऑन द जॉब ही मिलेगा राइट. देन कंप्लायंस डिपार्टमेंट में जैसे बहुत सारी रेगुलेटरी रिपोर्ट्स होती हैं जो हमको हर वेरियस फ्रीक्वेंसीज पे फाइल करते रहना पड़ती है सेबी okay. तो वो एक एक्टिविटी हो सकती है कि मैं उसको न्यू कैंडिडेट को बोलूँ कि अच्छा ठीक है गोइंग फॉरवर्ड ये 10 रिपोर्ट अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बनाओ चेक करवाओ फाइल करो दैट्स वन एरिया. ओके जो भी मार्केटिंग कम्युनिकेशंस होते हैं जो भी बाहर कम्युनिकेशन करती है कंपनी राइट वो कोई ना कोई कंप्लायंस डिपार्टमेंट में रिव्यू करता है. ओके वो एक्टिविटी मिल सकती है डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस. ऑफर डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन रिव्यू सो हर एक ऑफर डॉक्यूमेंट जो आप देखते हो किसी भी स्कीम का वो हर 6 महीने में हमको अपडेट करना होता है. ओके मतलब रेगुलेटर के पास अपडेट तो अपडेट मीनिंग जो डेटा है उसमें वो स्टेल हो जाता है 6 महीने में 7th month में जाके मुझे वो डेटा फिर से अपडेट करना है पूरा डॉक्यूमेंट उठा करके रिव्यू करना है उसमें जो भी चेंजेस आए हैं वो अपडेट करना है फिर से फाइल करना है फिर से अपने वेबसाइट पे डालना है दैट इज अ बिग एरिया. ओके सो एंड देन इंटरनल कम्युनिकेशंस इंटरनल रिपोर्टिंग बिकॉज अगर आप किसी बड़ी फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट में काम कर रहे हैं राइट तो आपकी जो पेरेंट कंपनी है वो भी आपसे बोलती है कि अच्छा रेगुलेटर को तो आप डेटा देते ही हो मुझे भी बताओ. सो एंड देन थोड़े आप अगर सीनियर होते हो तो आपको डायरेक्ट रेगुलेटर से कम्युनिकेट करने की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो लोग डायरेक्ट सेबी से RBI से या IRDAI से डायरेक्ट ऑफिशियल से इंटरेक्ट करते हैं. ओके ऑडिट सपोर्ट एक बड़ा एरिया होता है तो काफी सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं विद इन कंप्लायंस करेक्ट जो आपको बाहर से नहीं दिखेंगी बट अंदर इट इज अ वेरी की एंड इम्पोर्टेंट एरिया. ये बहुत आपने सही बताया बिकॉज क्या हो रहा है ना कि पीपल हु आर डूइंग से चार्टर्ड अकाउंटेंसी या FRM या जो भी है उनको लगता है कि जैसे रिस्क है तो एक रिस्क की टीम है बट उनको ये नहीं पता कि अंदर क्या बाइफर्केशंस है क्या काम हो रहा है. तो दिस इज आल्सो आवर इंटेंशन कि हम एक ब्रीफ दे दें उनको देन दे कैन एटलीस्ट लुक फॉर मोर डिटेल्स. अब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग कंप्लायंस तो इट्स ओनली द सेबी कंप्लायंस दैट यू हैव टू फॉलो एम आई करेक्ट प्राइमरीली सेबी कंप्लायंस. ओके पर अगर आपके ऊपर अगर किसी एक एस्पेक्ट के ऊपर RBI रेगुलेशंस भी एप्लीकेबल हैं तो आपको दोनों कंप्लाई करना है. जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ जैसे कि कोई म्यूचुअल फंड स्कीम किसी बैंक में इन्वेस्ट करती है तो फिर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नहीं है बट देर आर सम लिमिटेड रेगुलेशंस जो आपको कंप्लाई करना पड़ेंगे एज एन इन्वेस्टर इन अ बैंक. समझे तो थोड़ा ओवरलैप RBI का आ जाएगा. सिमिलरली इंश्योरेंस कंपनी अगर लिस्टेड है तो थोड़ा ओवरलैप उसका आ जाएगा. देर आर मल्टीपल सेबी रेगुलेशंस मतलब एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड
वर्ल्ड है वो, ओके और बिकॉज रेगुलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी मार्केट टू ग्रो मीनिंगफुली, राइट, तो इसलिए काफ़ी सारे लेयर्स हैं रेगुलेटर्स में भी, सेबी है, इरडा है, आरबीआई है, अभी गिफ्ट सिटी है नया एक, यू नो अपॉर्चुनिटी, एसईजेड, एसईजेड, करेक्ट, सो वहाँ एक अलग रेगुलेटर है, तो सब जगह अलग अलग रेगुलेटरी कंप्लायंसेस आपको पहले समझना पड़ते हैं, इंटरप्रेट करना पड़ते हैं, देन अप्लाई करना पड़ता है, एंड देन हो सकता है आपको काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स आके पूछेंगे कि अच्छा मुझे बताइए कि मैं ये करना चाहता हूँ, ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ, ऐसा मार्केटिंग मटेरियल बनाना चाहता हूँ, ये पॉसिबल है क्या, रेगुलेशन में अलाउड है क्या, तो एडवाइजरी इज अ की एरिया। तो ये रेगुलेशन किसी को अगर पढ़ना है तो आई नो कि रेगुलेटर के वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हो, बट देर इज नो कोर्स या ऐसा जो अभी एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री को केटर कर रहा है, नहीं, नॉट टू माई नॉलेज, इट इज ओनली एज पर, इट इज ओनली एज पर योर ओन केपेबिलिटीज। तो जैसे अब कंपनी सेक्रेटरियल एंड चार्टर्ड अकाउंटेंसी और इन सारे कोर्सेस में कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ सेबी रेगुलेशंस आ गए हैं, तो उनको सेबी रेगुलेशंस उस एस्पेक्ट के लिए पढ़ना पड़ता है फॉर अपियरिंग एग्जाम ऑल्सो, राइट, पर वो बहुत ही निश एरिया है। अब आप सोचिए ना कि अगर उसको एक सब्जेक्ट में 20 रेगुलेशंस पढ़ना है तो थोड़ा 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 पढ़ के एग्जाम तो पास कर लेंगे, बट देन रियल एप्लीकेशन इज दैट वो एक ही रेगुलेशन, अगर मुझे 70 रेगुलेशंस है और यू नो 300 पेज का मास्टर सर्कुलर है, उसका हर एक वर्ड और कॉमा और फुल स्टॉप में एक नया इंटरप्रिटेशन निकल सकता है। सो वहाँ पे आपका लीगल, मतलब अगर आपने लॉ किया है तो थोड़ा आपको हेल्प हो जाएगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, सो दीज आर कॉम्प्लीमेंटिंग स्किल्स। अगर आपके पास लीगल एक्सपीरियंस है तो भी आप एक कंप्लायंस टीम में अच्छा कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटेरियल, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। इनफैक्ट अब हम लोग वेरिड कॉम्पिटेंसीज ढूंढ रहे हैं, जैसे कि अगर आपने FRM किया है फॉर एग्जांपल, तो मैं चाहूँगा कि उस बंदे के पास अगर लॉ एंड FRM है तो मेरे लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि उसको नंबर्स भी समझते हैं और उसको लीगल डॉक्यूमेंट्स भी समझते हैं, बिकॉज सी अल्टीमेटली इट्स एन ओवरलैप, तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। इनफैक्ट इसके अलावा देर आर वेरियस अदर क्वालिफिकेशंस दैट पीपल कैन परसू टू गेट इनटू कंप्लायंस। सो नॉर्मली जो ये कंपनीज भी हायरिंग के लिए जाती है तो उनका कैंपस प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पे जब हायरिंग होती है तो इट इज़ मोर लाइक के यू आर हायरिंग पीपल एट द वेरी बेस लेवल, एंट्री लेवल, दैट्स अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, करेक्ट। तो आई डोंट नो, ये इन्वेस्टमेंट बैंक में मैंने देखा है वो कि आपको हर एक टीम में रोटेट करेंगे, तो ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी हो रहा है, एंड देन आपको एक टीम चूज करना है, आपको एक टीम चूज करना है, ओके, बहुत बहुत वैरिड और बहुत बड़े स्केल पे नहीं होता है ये, क्योंकि सी टीम्स ही छोटी होती हैं, जैसे एक म्यूचुअल फंड में 500-600 एम्प्लॉयज होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बड़े म्यूचुअल फंड्स में 2-3 हज़ार भी होते हैं, बट ऑन एन एवरेज इट इज़ नॉट लाइक अ बैंक, 1 लाख एम्प्लॉयज हैं, समझा, ओके, तो वहाँ पर ऐसे रोटेशनल अपॉर्चुनिटीज कम होते हैं, बट परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे तो सेम ही होगा। सो ऐसी अपॉर्चुनिटीज सारी, मोस्टली सारी बड़ी कंपनीज और मिड साइज कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, कि यू कम इन इफ यू आर एन MBA और अ मैनेजमेंट ट्रेनी, इवन आप तो प्रोफेशनल क्वालिफाइड लोगों को भी मैनेजमेंट ट्रेनी करके ऑनबोर्ड करते हैं, एंड देन दे रोटेट अराउंड इन ऑल डिपार्टमेंट्स, एंड देन दे डिसाइड कि मुझे क्या बेटर लग रहा है। ये जनरली उनका एक वंस इन अ ईयर प्रोग्राम होता है, एम आई करेक्ट? करेक्ट। एंड उसके अलावा जैसे अगर आप देखो कि मुझे किसी को अगर करियर में ग्रो होना है, ये मैं थोड़ा जेनरिक पूछ रहा हूँ, स्पेसिफिक टू द इंडस्ट्री, आफ्टर 12 इयर्स एक्सपीरियंस, 13 इयर्स एक्सपीरियंस, व्हाट इज द टॉप 3 or 4 थिंग्स दैट विल टेक हिम टू दैट सीनियर लेवल? क्योंकि आप प्लेटू आ जाता है कि आप और क्या करो, आपको फंक्शनली पता है चीज़ें, लेकिन आप क्या कर सकते हो? नो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड थॉट। सो I will again try to say that top of the mind answer, there is no right answer to this. Because you know, हर एक की career journey अलग होती right, है, right. Expectations अलग होते हैं, aspirations life में अलग होते हैं, पर अगर एक generic हम देखते हैं तो आप अगर 12 साल, 10-12 साल का experience है आपको, तो
इट इज एक्सपेक्टेड कि फंक्शनली तो आपको सब पता ही है, सो टेक्निकल स्किल्स आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, दे आर गिवन. कि अगर आप बैंकिंग में हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हैं, या किसी भी इंडस्ट्री में, फार्मा में है, आपको 12 साल का एक्सपीरियंस है, तो द कॉरपोरेट और द ऑर्गेनाइजेशन नोज दैट आपको आपके फील्ड का नियरली सब कुछ पता है. नाउ देर आर टू वेज इन विच यू नीड टू कंटिन्यूसली वर्क टू गो फ्रॉम हियर टू द नेक्स्ट लेवल वेयर यू सी. अच्छा, टॉप मैनेजमेंट में अगर मुझे जाना है, रीच मिडिल मैनेजमेंट, प्ले टू आ गया, और मिडिल मैनेजमेंट में सारे मिडिल मैनेजर्स तो टॉप मैनेजर्स मैनेजमेंट में जाएंगे नहीं. तो एक्सपेक्टेशन या वॉट लीडर्स और CEOs or directors look out for two things. Ek, are you investing enough in yourself? Are you investing enough in yourselves to grow from where you are to getting more skills? So, and there is no limit, sky is the limit to learning, as I always believe. So aise nahi hoga ki aap maine engineering kar liya ya maine CA kar liya CS kar liya. Now I am good, I don't want to learn anything new. Every day the markets, the entire environment is changing. Now, simplest example, 10 years back, who would have thought that every human being walking in Mumbai city, uske haath mein ek phone hoga, jo smartphone hoga, aur jisse sari duniya chalegi. To agar aapne smartphone technology nahi embrace ki hoti, adopt ki hoti, samjhi hoti, to aap piche reh jate. Right. So, your intent to learn new things is one very important skill jo wahan pe bahut zyada important hai because ab aap ek level pe aa gaye ho ki agar aap kuch nahi bhi karoge to shayad sustain kar jaoge, right? Not for long in today's day and time, par phir bhi ek decent level pe sustain. But agar aapko grow karna hai to aapko learn karna hai, right? Bina naya kuch seekhe aap aage nahi ja sakte. So learning is one very very learning important is very important. Ab jaise main apna example bhi leta hu, to agar mujhe AI related, at least basics of artificial intelligence नहीं पता है, तो मैं compliance में तो आप पूछ सकते हो ना कि आपको क्या करना है सौरभ compliance में, artificial intelligence तो computer में नहीं, उसके सारी दुनिया में applications हैं, right? तो मुझे समझ में आना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, कैसे होता है, ये कैसे चलता है, मैं इसको use कर सकता हूँ क्या अपने world में, right? That is one area. And two, which people generally overlook. तो काफी सारे लोग इस पे भी काम करते हैं, डिवोट टाइम. अनदर थिंग विच इज अ बिग गेम चेंजर इज योर सॉफ्ट स्किल्स, राइट? विच इज आई वुड से रीजनेबली ओवरलुक्ड. तो इफ यू आर नॉट डिवोटिंग इनफ टाइम इन बिल्डिंग योर पर्सनैलिटी, बिल्डिंग योर ग्रेविटास, बिल्डिंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, एबिलिटी टू एंगेज विथ रियली इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स. अब जैसे कि आप मिडिल मैनेजमेंट में हैं, आपको 12-15 साल का एक्सपीरियंस है, एक दिन अचानक से एक मीटिंग में आपको CEO और दो डायरेक्टर्स के सामने कुछ प्रेजेंट करना है, और अगर आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स है, वो एक ही शॉट है आपके पास. उस दिन अगर आपने अच्छा प्रेजेंट किया तो वो फिर याद रहेगा उनको कि नहीं, उस टीम में वो एक बंदी थी या बंदा था जिसने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया था, कौन है वो, उसको नेक्स्ट वाले प्रेजेंटेशन में भी रखना, उससे और बोलो क्या नया कर सकते हैं. सो सी, ये सारी स्किल्स जो हैं, इस पे भी कंसिस्टेंटली ध्यान होना चाहिए. अदरवाइज मेरे एक बहुत सीनियर कलीग थे जिनको मैं बहुत एडमायर करता हूँ, वो हमेशा कहते थे कि तुम्हारी टेक्निकल स्किल्स तुमको मिडिल मैनेजमेंट तक लेके जाएंगे. ओके. उसके आगे तुम्हारी एबिलिटी टू लर्न, ग्रो एंड प्रेजेंट योरसेल्फ, कि आप अपने आप को कितने अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, राइट, एज अ प्रोफेशनल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ओके. विच विल टेक यू फ्रॉम मिडिल मैनेजमेंट टू द नेक्स्ट लेवल एंड फ्रॉम देयर ऑन टू नेक्स्ट लेवल. वंडरफुल. एक फाइनल चीज पूछूंगा. श्योर. कि व्हाट इज द वन वेरी गुड एडवाइस दैट यू गॉट इन योर करियर, जिसने आपको हेल्प किया अपने करियर में? सो आई हैव बीन ब्लेस्ड विद क्वाइट अ लॉट ऑफ स्मार्ट एंड वेरी इंटेलिजेंट पीपल हु आई would like to call my mentors. But one thing that really stuck to me is, in my early days, one of my
managers told me that see, you always try and do things which are kind of win-win. Never try to do things which are win-lose. There, win-lose mein, you may win today, but ultimately you will lose. So, आपको अगर एक करियर बनाना है, आपको अगर आगे 25-30 साल एक प्रोफेशन में जाना है, you should always think of every interaction and every opportunity to engage with people as a win-win outcome. Okay. कि जिसमें मेरे लिए भी बेनिफिशियल हो बट मेरे काउंटर पार्ट के लिए भी बेनिफिशियल होना चाहिए. इट कैन नॉट बी अ विन लूज एंड दैट रियली हेल्प मी ग्रो एज अ प्रोफेशनल इन माय करियर इन माय पर्सनल लाइफ आल्सो. सी हर जगह पर जहां हम किसी से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं राइट समटाइम्स मेंटली अपना ट्यूनिंग क्या होता है कि अरे मेरा काम निकल जाए यार. हाँ हाँ पर वो उस और उसको ओवरकम अगर हमने कर लिया तो दिस इज ऑल्सो बाय द वे देन वेन आई रीड सम बुक्स एवरी मंथ तो देन आई लेटर ऑन रेड दैट दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल दैट थिंक विन विन. पर वो उस दिन जब उन्होंने मुझे बोला तो मुझे बहुत यू नो इम्पॉर्टेंट लगा वो कि हर एक इंटरेक्शन में हमेशा सक्सेसफुल नहीं भी होंगे हम पर दिस बिल्ड्स योर ब्रांड इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन योर फ्रेंड सर्कल इन अ society or a community right that okay this person will always try to come out with a beneficial outcome for all of us right rather than trying to only look at your own interest right to wo har ek professional ke liye at any level I would say kafi that branding has to be there correct within the organization also absolutely ki aap ye kaise kaam kar rahe hain absolutely internal branding is very important because you are identified by that brand are nahi yaar ये बहुत पेनफुल आदमी है इसके पास मत जाओ अरे यार उसके पास जाओ वो तुमको कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल के देगा राइट और एटलीस्ट ही विल गिव यू एन आंसर यस नो. कई बार ऐसे होता है दैट इन कॉर्पोरेट्स इट्स सच अ कॉम्प्लिकेटेड वेब दैट पीपल जस्ट हाफ द टाइम्स पीपल जस्ट से वो मेरे पास नहीं है आप उधर जाइए. तो दैट वे योर पर्सनल ब्रांडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इन एनी कॉर्पोरेट एंड कॉर्पोरेट्स हैव बिकम लाइक कंट्रीज नाउ लार्ज कॉर्पोरेट्स राइट स्पैनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड राइट. तो आप कैसे दिखोगे कैसे चमकोगे ब्रांडिंग इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट दैट ओके दिस पर्सन हैज अ ब्रांड ऑफ बीइंग ऑनेस्ट अपफ्रंट ट्रांसपेरेंट. तो दैट कुड बी वन गुड अपॉर्चुनिटी. वंडरफुल. सो थैंक यू वेरी मच. मोस्ट वेलकम. यस थैंक यू वेरी मच कि ये कॉन्वर्जेशन बहुत हेल्प करेगा टू ऑल दी न्यू स्टूडेंट्स न्यू कैंडिडेट्स हु आर लुकिंग टू ग्रो इनटू फाइनेंस एंड स्पेसिफिकली इनटू कंप्लायंस साइड कि कैसे एक करियर बनाना चाहिए क्या चीज़ें सोचनी चाहिए. थैंक यू वेरी मच सौरभ. मोस्ट वेलकम. थैंक यू.